हाय गाइस, तो नया दिन और नया एडवेंचर हम लेके आए हैं देसी कपल इन लंदन आपके लिए। लेकिन ये एडवेंचर कैसे हुआ? एडवेंचर ऐसे ही है कि 5 महीने के बच्चे के साथ लेके घूमना इधर उधर अपने में भी एक 6 months now। हाँ, तो अपने में ये एक एडवेंचर है। आज हम मम्मी पापा को लेकर जा रहे हैं एमिरेट्स केबल कार की सैर कराने, और ऊपर एक केबल कार चलती है, उससे पूरा व्यू आता है थेम्स रिवर एज वेल एज, और भी पूरा दिखेगा स्काईलाइन लंदन का। और O2 है वहाँ पे, O2 एक एरिना है जहाँ पे बहुत से शोज़ होते रहते हैं। दिलजीत का भी शो था लास्ट 2020 में, लेकिन वो कैंसिल हो गया था। अब नेक्स्ट ईयर आएंगे दिलजीत दोसांझ वहाँ पे शो करने के लिए। और भी एक्टर्स आते रहते हैं, शाहरुख, सलमान और जो ये गोरों के एक्टर्स हैं वो भी आते रहते हैं। हाँ, मतलब वो फेमस इसी चीज़ के लिए। बट वहाँ पर ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और खाने पीने का भी है, तो हम वहाँ पे घूमेंगे फिर। और बड़ा सुंदर मॉल भी है और काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ देखने के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आपको दिखाते हैं, चलो चलते हैं, लेट्स गो। आज फिर जा रहे हैं मम्मी ऊपर, तो आपको डर तो नहीं लगता? बहुत डर लगता है। तो चलो आज आपका डर मिटाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले भी गए हैं उड़न टोला पे, मनसा देवी मंदिर है हरिद्वार में। अच्छा, तो नीचे से ऊपर तक वही उस पे उड़न टोला पे जाते हैं, उस पे ही वापस आते हैं। ठीक है ठीक है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस है पहले वाला। ये जो लोहे के इतने बड़े ये गेट से लगे हैं, क्या है इसमें? क्या गेट ही है ये, वो है क्रेन्स हैं यहाँ पे। पहले ना बड़ी बड़ी शिप्स जो थी ना, वो डॉक होती थी यहाँ के। तो सारा वो जो सामान बाहर से आता था वो यहाँ पे ही अनलोड होता था। तो इस एरिया वो यूज़ होता था, अब रेजिडेंशियल कन्वर्ट हो गया ये। तो ये बंद हो गई? हाँ जी, अब तो बस ऐसे ही है ये शोबाजी के लिए। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं, लोग करते हैं एक्टिविटीज़ तरह की। नाम पढ़ा तुम्हें इसका? क्या कर रहा है ये? जेट स्की कर रहा है, स्की कुछ अलग ही टाइप की लग रही है, नाम नहीं पता हम लोगों को। और कोई भी एनरोल कर सकता है एक जगह रुकते हैं। वो देखो गिर भी गया। मज़ेदार लग रहा है यार ये वाटर स्पोर्ट्स, सही एक्टिविटी हो रही है। और नीचे गिर गया है वो, पर यहाँ पे पानी बहुत ठंडा होता है, इसलिए उन्हें एक अलग तरह का सूट पहना हुआ है। क्या पहले बोर्ड आगे करेगा ना, फिर ही ये रैम्प्स बनाए हुए हैं इसके ऊपर से जाते निकल के। और वो सामने आ गई है एमिरेट्स केबल कार जिसमें हम जाने वाले हैं। लाइन यहाँ से दिख रही है हमें बहुत दूर से, और बहुत लंबी लाइन है। हाँ, पहले कभी देखी नहीं है ये लाइन। हाँ, पता नहीं क्यों आज लाइन है वहाँ पे, चेक करते हैं जाके। चलो हाँ चलो। पहले लॉकडाउन में बंद था। तो यहाँ पे ओपन वाटर स्विमिंग कर सकते हैं आप आके, स्विमिंग सिखाई भी जाती है। और कुछ यहाँ पे इवेंट्स भी होते रहते हैं, जैसे ट्रायथलन टाइप के, जहाँ कुछ किलोमीटर स्विमिंग करनी होती है, कुछ साइकिल चलाना होता है और फिर भागना होता है। और वो आ गया हमारा उड़न खटोला, आई मीन टू से केबल कार। वन वे बोर्डिंग पास है £5 का। ये बोर्डिंग क्यू ऑन द राइट। तो यहाँ पे भी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका कॉन्टैक्टलेस है या ऑयस्टर कार्ड है उसको यूज़ करके आप बोर्डिंग कर सकते हैं। तो लाइन आज काफ़ी लंबी है। लगभग 1 घंटा वेटिंग के बाद हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और अगर आप बच्चे के साथ हैं या ओल्ड किसी के साथ हैं तो आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं। हमको डर थोड़ी लग रहा है। हम कब कह रहे हैं हमको डर लग रहा है? नहीं कह रहे दो कितनी बार गिर रही है तो बहुत सॉफ्ट चली जानी। क्या बात है, मजा आ गया है। वो पूरा ब्रिटानिया विलेज है यहाँ पे घर बने हुए हैं सारे। दैट्स ब्रिटानिया विलेज। ये मेयर का नया ऑफिस, पीछे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं सारे। पूला वगैरह दिखा दो। पानी सुना होटल वो है O2 मेन जगह, वो है O2 अरीना जहाँ पे इसके बाद हम जाएंगे। वो जा रही है DLR ट्रेन और वो है थेम्स रिवर। रोगी भाई रोगी नहीं रोगी वो देखो सारी रोगी है यार। वो व्यू दिखाना आपसे रोक दे और नहीं व्यू दिखाना वास्ते रोक दे। डराओ मत तुम ना, अब काफी ऊपर है इस वक्त। हम जैसे हाइट पे हैं। चल भी नहीं रोक दे ये वैसे दिखाना वास्ते। वो नहीं यार नहीं रोक देते दिए गए। हमी डैडी दिल रख ली गैंड है तो डर लग रहा है थोड़ा मेरे को। हिल सी रही है अब तो। हाँ थोड़ी हिल रही है ना इसलिए लग रहा है डर, क्योंकि स्ट्रेट जा रही थी तब तो ठीक था। और हम डर रहे हैं। हाँ। यार रुक गई थी यहाँ पे अभी चल पे थोड़ा डर लग गया था सबको। वो देखिए नीचे बोट्स दिख रही हैं। आराम से जा रही है बस थोड़ा ही आगे जाके उतार देना। हाँ तो हम कह रहे थे आपको बड़ा क्विक है ज्यादा लंबा नहीं। वो देखो ना तुसी उधर पूरा ऐदा जांदी है थेम्स इतरो फिर घूम के वो पीछे जांदी फिर ऐदा जांदी। अच्छा हां वो तो है ही है। वो थल्ले हैगी थेम्स क्लिपर बोट ऊबर बोट वो भी ले सकते हैं। कनेरी वॉल्स बड़ा बड़ा है। हां जी उधर अच्छा लग रहा है। अच्छा ये मॉल ही है वैसे तो। हां जी बस आ गया टाटा स्टेशन। अंदर भी यहाँ भी क्यू काफी लंबी है। तो राइड खत्म हो गई है, अब नेक्स्ट है हम O2 अरीना जा रहे हैं। तो फिर कैसा लगा आपको? डर तो नहीं लगा किसी को? डर ही गई। अच्छा लगा, मजा आया एकदम। पर आप तो कह रहे हो मनसा देवी वाला ज्यादा सही था। नहीं वो लंबा था, इससे ज्यादा टाइम लगता था। हाँ थोड़ा टाइम ड्यूरेशन और मिलता तो और मजा आता। बट वैसे ओवरऑल अच्छा था। जल्दी खत्म हो गया। मतलब जो 1 घंटा जो हमने वेट किया इसके लिए सही था। बहुत अच्छा था बहुत मजा आया देख के। वेट जो किया इसके लिए मतलब वर्थ था? हाँ नहीं बहुत ज्यादा लग गया, टाइम थोड़ा ज्यादा है, टाइम राइड जल्दी खत्म हो गई। हाँ उसके हिसाब से इसीलिए राइड छोटी लगी। उधर चढ़ना ऊपर है और जड़ा है इधर ऊपर ही मॉल के ऊपर आओ चढ़ना वो कदों चढ़ते लोग ना तो इस मॉल की खास बात ये भी है कि यहाँ पे काफ़ी आउटलेट्स हैं और तो यहाँ पे काफ़ी सस्ता और काफ़ी डिस्काउंटेड माल मिल जाता है और काफ़ी क्लियरेंस सेल चलती रहती है और तो इसलिए काफ़ी लोग यहाँ से भी शॉपिंग करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी कैफ़ेज़ और बार्स वगैरह हैं यहाँ पे जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सिने वर्ल्ड भी है जो मतलब यहाँ का मूवी हॉल है O2 का और काफ़ी रश है। सैटरडे इवनिंग का टाइम है 5 बजे, प्रॉपर रश हो रखा है। वो है मूवी हॉल, यहाँ पर सिने वर्ल्ड फेमस है। लंदन बिगेस्ट सिनेमा। ऊपर का भी मैं सोचा आपको भी दिखा दूँ कैसा है। आज का सारा दिन हमने एंजॉय कर लिया है और काफ़ी घूमा फिरे हैं और O2 भी पूरा घूम लिया है। तो अब यहाँ से लेते हैं साइन ऑफ एंड मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।